30% मेंटल देखेंगे, 70% ओरिजिनल, ये बताए थे। तो ये साइड की दीवार रिपेयरिंग किया हुआ है, क्योंकि दीवालों में सीमेंट है, देख रहे हैं दो ईंटों के बीच में, लेकिन ये साइड की दीवार ओरिजिनल है। देख लीजिए कहीं भी सीमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई दे रहा है। डिपार्टमेंट जब भी मेंटेन का कार्य करता है तो दीवालों में एक डेट दे देता है, ताकि विजिटर को मालूम हो सके कि कब कब रिपेयरिंग का कार्य किया गया है, तो थोड़ा सा साइड हो जाइए। देखिए 52 में रिपेयरिंग का कार्य किया गया है, एक मेन गेट नहीं मिला है, बताए थे। तो टूरिस्ट को विजिट करने के लिए इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट ने ये सॉलिड दीवार था जिसको काट करके एक नया रास्ता बनाया है टूरिस्ट को विजिट करने के लिए, जो दीवार की चौड़ाई लगभग 10 फुट पाया गया है। दीवार को काटा गया तो ये सीमेंट का स्लैब बाद में डाला गया। यहाँ पटापट चला 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 यहाँ कौन पड़ा का से वर्ल्ड फेमस नहीं था, है ना। यूनिवर्सिटी इंग्लिश भाषा है और इंग्लिश अंग्रेजों के बाद आया। यहाँ का लोकल लैंग्वेज, लोकल भाषा पाली एवं संस्कृत था, तो इसका प्राचीन नाम था नालंदा महाविहार। क्या था? नालंदा महाविहार। और महाविहार उसे कहते हैं जहाँ पे विहारों की संख्या सर्वाधिक हो, जैसे महाराष्ट्र बोलते हैं ना, महाराष्ट्र तो कई छोटे छोटे राष्ट्रों को मिला करके महाराष्ट्र बना, उसी तरह से कई बिहारों को मिला करके महाविहार बना। बट विहार किसे कहते हैं? आप लोग भी विहार कर रहे हैं, अरे प्राचीन काल में भगवान बुद्ध जब विहार करते थे तो उसका नेतृत्व भगवान बुद्ध करते थे, सारिपुत्र करते थे और महामुगलाई करते थे, है ना। आज आप लोग विहार कर रहे हैं तो आपका नेतृत्व तेजस भैया और कार्तिक भैया कर रहे हैं। लोग संघ में, आप लोग संघ में हैं, तो जहाँ पर लोग संघ में एक साथ रहकर पठन एवं पाठन का कार्य करते हो, भ्रमण करते हो, उसी को विहार कहते हैं। और यही विहार शब्द इस्लाम शासक में बिहार हुआ, और बंगाल से कट करके नया राज्य बना तो ये बिहार हुआ, और बिहार में रहने वाला मैं बिहारी हो गया। बिहार के बारे में लिखे थे, एक तो आठ होली नंबर है, चाहे वो बुद्धिज्म का हो, हिंदुज्म का हो या जैनिज्म का हो, इस्लाम का 786 है, इस्लाम का है, है ना। लेकिन बुद्धिज्म, हिंदुज्म, जैनिज्म का जो 108 है वह होली नंबर है। तो वेन सांग ने अपने डायरी में 108 के बारे में लिखे थे, लेकिन जो 1915 से 1937 ईस्वी तक जो 1 किलोमीटर के एरिया में खुदाई हुआ वे 11 मिला, 97 के ऊपर गाँव है। ये एक विहार है जिसके चारों तरफ रूम है, एक एक विद्यार्थी के लिए एक रूम होता था, तो सोचिए मैं कितना भंते जी बता रहा था, 10,000 बताए थे ना, 1500 टीचर, तो 500 सपोर्टिंग स्टाफ भी होंगे, टोटल 12,000 लोग थे, 12,000 रूम था जो 10 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ था। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार यह रूम 1600 साल पुराना है। हम लोग छत पे खड़ा है, पूछ रहे थे ना वहाँ पे, है ना। तो ये 1600 साल पुराना रूम है, एक विद्यार्थी के लिए एक रूम, एक भंते जी के लिए एक रूम, है ना, 1600 साल पुराना है। हम लोग छत पे हैं, जब कैरिंग कैपेसिटी इसका कम जाता था तो दूसरे राजा पुराने कंस्ट्रक्शंस के ऊपर ही नया कंस्ट्रक्शंस कर देते थे, फिर तीसरा राजा आए फिर पुराने कंस्ट्रक्शन के ऊपर नया कंस्ट्रक्शन कर देते थे। इस तरह से नालंदा विश्वविद्यालय की बिल्डिंग मल्टी स्टोरेज थी, जिसका एविडेंस, जिसका प्रमाण आप लोग उस दीवार में देख सकते हैं। आप लोग यही खड़ा रहिए तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसके नीचे जो देख रहे हैं ये गुप्ता डायनेस्टी की दीवारें हैं, यहाँ से वहाँ तक खरसा डायनेस्टी की दीवारें हैं, और सबसे ऊपर में पाल डायनेस्टी की दीवारें हैं। तीनों दीवालों में आप ईंटों की साइज डिफरेंट देखिएगा, एक तरह का नहीं है, देख सकते हैं, देख रहे ना। इसी में आप ईंटों की साइज देखिए तो खूब लंबी लंबी ईंट दिखाई देगा। एज एग्जांपल मैं दिखाना चाहता हूँ, इसके इस लाइन में देख रहे ना, उधर से इस लाइन में उधर तक आपको इस प्रकार से ईंट दिखाई देगा, देख रहे हैं। 15 से 18 इंच लंबा है, 10 से 12 इंच चौड़ा है, 2 से 3 इंच मोटा है, जो